अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, बेहतरीन होंगे। वीडियो के स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप किसी तरह चैनल पे न्यू आए तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। बाकी आज आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट सा और बहुत क्विक सा गेम प्ले लेके आऊँ, वो भी इरेंगल का। तो जी, इसी के साथ अपना गेम प्ले शुरू करते हैं। तो हम बेसिकली उतरते हैं मिलिट्री बेस के अंदर, और मिलिट्री बेस में कोई इतने खास बंदे नहीं आए होते, तो हम इसलिए सीधा जाते हैं नोवा में, क्योंकि प्लेन पाथ उसी तरफ से गुजर रहा होता है। और नोवा में जैसे ही पहुँचते हैं, वहाँ पे हमें ना बंदे दिखाई देते हैं जो कि लूट करके निकल रहे होते हैं। इन भाइयों में इसमें एक को नॉक करके फिनिश कर देता हूँ, और जो दूसरे भाई होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होते हैं, और बाकी जब तक मैं पहुँचता हूँ मेरे टीममेट सबको फिनिश कर देते हैं। तो हम यहाँ से इनकी लूट वगैरह करते हैं, और लूट वगैरह करके इनकी गाड़ी लेके हम लोग निकल जाते हैं। गाड़ी लेके हम लोग ब्रिज क्रॉस करते हैं। जैसे ब्रिज क्रॉस करते हैं तो उसके राइट साइड पर ना थोड़ा सा आगे जाके एक ड्रॉप पड़ा हुआ है, और ड्रॉप पर पूरा का पूरा एक स्क्वाड ना मज़े से लूट कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये भाई लोग फिनिश हो जाते हैं, तो इनकी लूट वगैरह करके फिर हम जाते हैं पिचिंकी वाले रिकॉल टावर पे। हमें मतलब होता है कि वहाँ पे ना हमेशा ही बंदे होते हैं पिचिंकी के पास ना, तो हम लोग पिचिंकी पहुँच जाते हैं। यहाँ पे ये बेचारा स्क्वाड पता नहीं चुप करके क्यों बैठा हुआ होता है। आई थिंक ये फुल टाइम रैंक पुश कर रहे होते हैं और चुप करके लेटे हुए होते हैं। वो तो हमें ग्लिच में घर के टॉप पे एक बंदा नज़र आ जाता है, जिसकी वजह से मंदद उन गाड़ी घुसा देते हैं अंदर, और ये सारे बेचारे लॉबी पहुँच जाते हैं। तो खैर, वहाँ से निकल के हम लोग यहाँ पर एक और ड्रॉप लूटने आते हैं कि लेफ़्ट पे ना एक बग्घी आती है, वो बग्घी भी ड्रॉप पर आ रही होती है। तो मैं कहता हूँ कि चलो यार, इनके पीछे भगाओ गाड़ी। Location.
ये सामने ये जा रहे हैं। एनिमीज है, एनिमीज है। अरे ये नीचे घट गया। ये सामने ये आ गई, ये ऊपर आ गई। एनिमीज है। इन भाइयों को मैं इतना लो करता हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे कोई किल नहीं मिलती। तो खैर, इनकी फटाफट लूट करके ना हम लोग वापस पीछे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी स्टिल बंदे होते हैं ना। तो यहाँ पे पहले भी ओरिजिनली गन शॉट्स आते हैं, तो हम लोग वापस ऊपर पहुँच जाते हैं कि यहाँ पे बंदे होंगे। Đi thôi bạn ơi. अब जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे सारे नॉक हो रहे होते हैं, कोई भी एक्चुअल में फिनिश नहीं हो रहा होता, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि अभी बंदे अलाइव हैं और होंगे। तो इसलिए हम लोग गाड़ी लेके ना सिर्फ गाड़ी घुमा रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली इस लॉबी में ना सारे ऑलमोस्ट नेटिव होते हैं। एंड इस तरह देखते देखते ये सारी लॉबी खाली हो जाती है, और लास्ट में एक बंदा बचता है जिसको मेरा टीममेट मार लेता है। लिटरली इस मैच में ना जब हम लोग खेल रहे थे, हमें पता भी नहीं लगा था कि कब लॉबी एकदम से खाली हो गई है, मतलब मोस्टली हम लोगों के किल से, लेकिन फिर भी मतलब लाइक एकदम से हम लोगों ने पूरी लॉबी खाली कर दी। खैर, जितना भी गेम प्ले था आप लोगों को पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।